दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएसडी में। दोस्तों मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के जरिए एचपीएसएसबी का जो एग्जाम हुआ है फूड सेफ्टी ऑफिसर का पोस्ट कोड 657 23 सितंबर को एग्जाम था उसका क्वेश्चन पेपर है, इसलिए शेयर कर रहा हूँ सॉल्व करके, ताकि आपको इसमें से क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं इधर से उधर हो जाते हैं। कई बार देखा गया है पीछे जब आपने अलाइट का एग्जाम दिया था और नायब तहसीलदार का एग्जाम दिया था वहाँ पर भी क्वेश्चन बहुत सारे इधर से उधर हो गए थे। तो इसलिए आप जितने भी एचपीएसएसबी के एग्जाम हो रहे हैं आजकल उनके सभी क्वेश्चन पेपर को देख लिया करें। जब भी उसकी आंसर की रिलीज हो जाती है तो उसको सॉल्व करके सारे क्वेश्चन को देख लिया करें, वो चाहे साइंस के भी हो चाहे किसी भी चीज़ के हो। ठीक है, तो ये पोस्ट कोड 657 का फूड सेफ्टी ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर है, तो मैं इसको जो आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की से मैं मिला रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा होता है प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन अगर सीधे ही आ जाता है तो गलत होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं रहती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, काइटोसन है, काइटोसन इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पॉलीसेकेराइड, काइटोसन है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो जो अगला सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों जो सेकंड का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए राइजोबियम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वो है राइजोबियम। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है ऑप्शन क्वेश्चन थ्री, टीआरएनए संश्लेषण किया जाता है किसके द्वारा? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थ्री का, तो ऑप्शन सी, ठीक है ऑप्शन सी, आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज थर्ड द्वारा। ठीक है, और तो क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है आपका डीएनए प्रतिकृति है, डीएनए रिप्लिकेशन इज, तो इसका जो राइट आंसर है चौथे का तो वो है ऑप्शन बी। ठीक है, तो अब आते हैं पांचवें प्रश्न में। पांचवा प्रश्न है, विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त किए जाते हैं? तो दोस्तों जो पांचवें का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए विवद्योतक संवर्धन द्वारा, मेरिस्टेम कल्चर द्वारा। ठीक है, विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं तो वो है मेरिस्टेम कल्चर द्वारा। तो प्रश्न नंबर छः, जैव डीजल उत्पादन के लिए कौन सा पौधा प्रयुक्त किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, विच प्लांट्स इज यूज फॉर बायोडीजल प्रोडक्शन? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जेट्रोपा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, मैंने देखा है। और प्रश्न नंबर सात है, प्रकाश श्वसन में निम्नलिखित में से क्या मुक्त होता है? तो दोस्तों जो प्रश्न नंबर सात का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सेरिन। विच अमाउंट द फॉलोइंग इज रिलीज इन फोटोरिस्पायरेशन? फोटोरिस्पायरेशन में सेरिन रिलीज होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर आठ, प्रश्न नंबर आठ है, हेपेटाइटिस टी के विकास के लिए कौन सा वैक्टर प्रयुक्त होता है? विच वैक्टर वॉज यूज फॉर डेवलपमेंट फॉर हेपेटाइटिस वैक्सीन? तो दोस्तों जो आठवें का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यीस्ट एक्सप्रेशन वेक्टर। ठीक है, यीस्ट एक्सप्रेशन वेक्टर जो ये वैक्सीन है ये हेपेटाइटिस के टीके के विकास के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इस वेक्टर का यूज हेपेटाइटिस के टीके की वैक्सीन बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नौ, बायोरिएक्टर्स किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो दोस्तों जो नौवे का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी, प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल और प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम ऑन लार्ज स्केल, प्रोडक्शन ऑफ सेल कल्चर ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, बड़े पैमाने पर कोशिका संवर्धन उत्पादन के लिए और इथेनॉल के उत्पादन के लिए, बड़े पैमाने पर एंजाइमों के उत्पादन के लिए। ठीक है, तो जो बायोरिएक्टर्स का यूज होता है। तो जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, अधसाली गन्ना रोपा जाता है, अधसाली, अधसाली मतलब अधसाली जो आधे साल में तैयार किया जाता है। तो जो इसका जो राइट आंसर है दसवें का वो है ऑप्शन ए, जून जुलाई में। ठीक है, तो देखते हैं ग्यारहवां प्रश्न, भूमियोपरीक अंकुरण पाया जाता है, एपिजेल जर्मिनेशन इज फाउंड इन? तो इसका जो राइट आंसर है ग्यारहवें का वो है ऑप्शन सी। ठीक है, तो अब फूलगोभी का पुष्पक्रम होता है, प्रश्न नंबर 12, तो प्रश्न नंबर 12 का है राइट आंसर है ऑप्शन सी, फूलगोभी का पुष्पक्रम कर्ड कहलाता है। ठीक है, कर्ड, ठीक, इन फ्लोरेसेंस ऑफ कॉलीफ्लावर इज कॉल्ड कर्ड। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13, बिना निषेचन भ्रूण का विकास है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज? तो इसका जो राइट आंसर है 13 का वो है ऑप्शन ए, एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस। तो अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 पे, नर बंधता बंध्यता का उपयोग किसे विकसित करने में होता है? मेल स्टरिलिटी इज यूज टू डेवलप? तो दोस्तों जो 14 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संकर हाइब्रिड्स। ठीक है, हाइब्रिड्स को डेवलप करने के लिए मेल स्टरिलिटी का यूज किया जाता है। देखिए ये सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं बायोलॉजी के, एग्रीकल्चर की फील्ड से या फिर केमिस्ट्री के, जो भी क्वेश्चन है इसके बाद, अभी ये सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे जो क्लर्क के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 15, प्रथम प्रतिकवक प्रतिजैविक है, फर्स्ट एंटीफंगल एंटीबायोटिक इज कौन सा है? फर्स्ट एंटीबायोटिक एंटीफंगल, तो इसका जो राइट आंसर है 15 का वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, निस्टेटिन। ठीक है, निस्टेटिन, निस्टेटिन फर्स्ट एंटीफंगल एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, यीस्ट, यीस्ट आर, यीस्ट क्या है? यीस्ट है, तो दोस्तों जो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्राम पॉजिटिव, यीस्ट आर ग्राम पॉजिटिव। तो प्रश्न नंबर 17, दही में किण्वक जीव है, तो जैसा कि इसका ये था, तो ये फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म इन योगर्ट इज? तो दोस्तों जो 17वें का आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस,
स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस दही में किण्वक जीव होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समूह विटामिन हमारे शरीर में संग्रहित हो सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से बी समूह का विटामिन हमारे शरीर में संग्रहित हो सकता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग बी ग्रुप विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 18 का, तो वो है ऑप्शन डी B12, ठीक है, जो कैंसर के उपचार में भी सहायक होता है, इसे कोबाल्ट भी कहते हैं, ठीक है, विटामिन B12 को, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो निम्नलिखित में से कौन से कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के शाखित बहुलक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रांच्ड पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है 19 का, वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का शाखित बहुपल है, ब्रांच्ड पॉलीमर्स है ग्लूकोज का, ठीक है, क्या, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, तो दोस्तों जो 20 का, 20 मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है, द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी का, 20 का, वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, विटामिन उत्पन्न नहीं करता है, ये लेना पड़ता है, ठीक है, शरीर में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां, ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज प्लस पॉजिटिव ग्लूकोज है। तो दोस्तों कई बार अगर प्रश्न पूछा जाए तो नॉर्मली ध्यान देना, रटने की कोई जरूरत नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है 21वें का, वो है ऑप्शन डी, एनोमर, ठीक है, एनोमर। तो अगला क्वेश्चन है 22वां, बायोरेट परीक्षण नहीं दिया जाता है प्रोटीन द्वारा कार्बोहाइड्रेट द्वारा। तो इसका जो 22 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 22 का ऑप्शन बी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स द्वारा बायोरेट परीक्षण नहीं दिया जाता है। तो प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित करता है। तो दोस्तों जो इसका विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस टॉलेन रिजेंट। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों जो विटामिन B1 होता है वो जल में घुलनशील होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है, 24 का बी, ठीक है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25 की ओर, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन आप जरूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जो ये एग्जाम होते हैं एक दो दिन, मतलब एक दो महीने के अंतर में जो आपस में, मतलब एक दूसरे के जो एग्जाम होते हैं, जो भी पोस्टें होती है, तो उसमें क्वेश्चन बहुत सारे मैच होते हैं इधर से उधर। तो प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी अनअपचित शर्करा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्या है, ऑप्शन बी, सुक्रोज, नॉन रिड्यूसिंग ग्लूकोज होता है, ठीक है। और अब आते हैं प्रश्न नंबर 26 पे, थायोल समूह उपस्थित होता है, थायोल ग्रुप इज प्रेजेंट इन। तो इसका जो राइट आंसर है 26 का, वो है ऑप्शन ए, 26 का ए, सिस्टाइन, ठीक है, सिस्टाइन में थायोल समूह उपस्थित होता है, सिस्टाइन में, ठीक है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 है, दो एसिटोबेंजोइक एसिड किसके रूप में प्रयुक्त होते हैं, टू एसिटोबेंजोइक एसिड इज यूज्ड एज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एंटीपायरेटिक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी हिस्टामिन के रूप में काम में आता है, प्रश्न नंबर 28। तो प्रश्न नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है, प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डाइफिनाइल हाइड्रामिन के रूप में, ठीक है। निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज एंटी हिस्टामिन। तो एंटी हिस्टामिन के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, कि काम में आता है, वो आता है डाइफिनाइल हाइड्रामिन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्लोरोफेनिकॉल है एक, क्लोरोफेनिकॉल इज एन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है 29 का, वो है ऑप्शन डी, एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, क्या, कोले रैम्फे निकोल है, ठीक है, कोले रैम्फो रैम्फे निकोल है। तो दोस्तों ये थोड़े से साइंस के क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ क्वेश्चनों के बाद आपको अपने काम के क्वेश्चन भी, ये भी काम के हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में, नॉर्मल एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो अब प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, कृत्रिम मधुरक जो कि कुकिंग तापमान पर स्थिर नहीं रहता, आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज नॉट स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार देखा है कई एग्जाम में। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 30वें क्वेश्चन का, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एस्पार्टम, ठीक है, एस्पार्टम, एस्पार्टम इज आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज नॉट स्टेबल इन कुकिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांतक के रूप में काम में लाया जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज ए ट्रैंक्विलाइजर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है 31 का, वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, इक्वेनिल, ठीक है, इक्वेनिल विच यूज्ड एम्प्लॉयड एज द ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है, प्रशांतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 32, ईरान की सीमा के पास हड़प्पा स्थल है। चलिए शुरू हो गए जो आपके काम के ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ईरान की सीमा के पास कौन सा, ए हड़प्पन साइट नियर ईरान बॉर्डर, हड़प्पा स्थल कौन सा है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुतका गेंडार, जो कि इस समय वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा पर प्रथम व्यवस्थित और दर्शन शास्त्रीय शोध प्रबंध विशुद्ध मग्न किसने लिखा था, द फर्स्ट सिस्टमैटिक एंड फिलोसफिकल ट्रीटीज ऑन बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन विशुद्ध मग्गा वाज रिटन बाय। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 33 का ऑप्शन डी। तो बुद्धघोष इसका राइट आंसर है, जो ये विशुद्ध मग है ये बुद्धघोष ने लिखा था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्मकांड से संबंधित है, 34वां। तो 34वें का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी,
ठीक है, यजुर्वेद कर्मकांड से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील्ट विद रिचुअल्स, तो रिचुअल्स रिलेटेड है यजुर्वेद से। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हुमायूं ने मुगल साम्राज्य शेरशाह सूरी के हाथों अंततः किस युद्ध में गंवा दिया था? जो हुमायूं था उस जब हारा था कि कौन से युद्ध में शेरशाह सूरी से हारा था? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कनौज के युद्ध में। लगभग 1439 के आस 1539 के आसपास, सॉरी 1539 के आसपास ये कनौज का युद्ध हुआ था। अगर मैं सही हूँ तो 1539 में ही हुआ था, क्योंकि ठीक है 1539 के करीब हुआ था ये कनौज का युद्ध। अब अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में आने वाला वाला विदेशी यात्री कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है छत्तीस का वो है ऑप्शन ए, थॉमस रो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। 37 नेशनल लिबरेशन फेडरेशन के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एसएन बनर्जी। ठीक है, एसएन बनर्जी नेशनल लिबरेशन फेडरेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है 38 का वो है ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, भारत में विकसित होने वाला प्रथम आधुनिक उद्योग था? तो दोस्तों जो 39 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 39 का राइट आंसर है ए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्री थी। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपी तरंग है? विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक वेव्स? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सतही तरंगे। तो इसको बोलेंगे सरफेस वेव्स, ज्यादा खतरनाक होती है, ज्यादा डेंजरस होती है, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन। आकाश में वापस आने वाली विकिरण की परावर्तित मात्रा कहलाती है? द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन बैक टू स्पेस इज कॉल्ड? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पृथ्वी का एल्बिडो, एल्बिडो ऑफ द अर्थ। जो एल्बिडो, पृथ्वी का एल्बिडो है, ये आकाश में वापस आने वाली विकिरण की परावर्तित मात्रा कहलाती है। ठीक है, तो सर्वाधिक गहराई वाला महासागर है। तो प्रश्न नंबर 42, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, 42 का बी, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? 43, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 43 का डी, वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे छोटा देश है जनसंख्या की हिसाब से। तो अगला क्वेश्चन है 44वां, पेलाजिक मछलियां पाई जाती है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है सी, ओपन ओशंस में। ठीक है, जो पेलाजिक फिशेज होती है वो पाई जाती है ओपन ओशंस में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 45 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेक्सिको, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीदरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो दोस्तों जो 46 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ट्यूलिप। ठीक है, ट्यूलिप इज द नेशनल सिंबल ऑफ नीदरलैंड्स। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन। कौन सा जल डब्ल्यू मध्य भारत को श्रीलंका से पृथक करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। तो जो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 48 का बी है, 48 का ए, ए सॉरी, पाक जलडमरू मध्य, जलडमरू मध्य की बात हो रही है, सेपरेट्स इंडिया श्रीलंका, स्ट्रेट, जो स्ट्रेट है वो है पाक जलडमरू मध्य, पाक खाड़ी नहीं, पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंफ्यूज नहीं होगा, पाक जलडमरू मध्य और पाक खाड़ी में, जो पाक जलडमरू मध्य है यही डिवाइड करता है भारत को श्रीलंका से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। दमन और गोवा के बीच में पश्चिमी तट कहलाता है? तो दोस्तों मैं अपने क्वेश्चनों में कई बार ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया है। तो दोस्तों जो 49 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कोंकण। आपको मालूम है कि मुंबई से गोवा के बीच का जो तट, पश्चिम तट है, वो कोंकण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वीडियो अपलोड किया है ज्योग्राफी का, उसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन साझा किए गए हैं आपके साथ, सेलेक्ट भी किए गए हैं उसमें। तो 50वां प्रश्न है, ओडिशन किसकी सहायक नदी है? 50वें का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, नर्मदा की। ठीक है, तो 50 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो ओडिशन है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध परियोजना गुजरात में नहीं है? तो दोस्तों जो 51 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तबा। जो तबा परियोजना है ये गुजरात में नहीं है, काकरापारा बांध भी, उकाई बांध भी, माही बांध भी गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 52, भारत के संविधान का भाग 4 संबंधित है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस भी किया था आपके साथ पॉलिटिकल का। तो इसका जो राइट आंसर है 52 का वो है ऑप्शन सी, एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा, ओ सॉरी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 52 का सी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो जो भाग 3 में वो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, लेकिन DPSP है भाग 4 में। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 53, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मास्टर प्लान कब अनुमोदित हुआ था? दोस्तों जो राइट आंसर है 53 का वो है ऑप्शन बी, 1962 में, राष्ट्रीय राजधानी में, NCR का, नेशनल कैपिटल रीजन का जो मास्टर प्लान लागू हुआ था वो हुआ था 1962 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 54, भारत में राष्ट्रपति चयनित होता है? तो दोस्तों जो 54 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा। ठीक है, और अब आते हैं 55वें प्रश्न में, संघ कैबिनेट किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होती है? द यूनियन कैबिनेट इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल इज, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन
सी भारत के राष्ट्रपति के प्रति इंडिपेंडेंटली जो पर्सनली होती है ये किसके प्रति जवाबदेही होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, ये होती है भारत के राष्ट्रपति। अगर ये ग्रुप वाइज देखें पूरी टोटल कैबिनेट जो तो वो लोकसभा के प्रति होती है, लेकिन यहाँ पे कैबिनेट की बात हो रही है, ये होती है आपके प्रति व्यक्तिगत रूप से, ये होती है भारत के राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 36 56। तो प्रश्न नंबर 56 है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मीरा कुमारी जी, जो कांग्रेस के टाइम में थी, ठीक है, पिछले कार्यकाल में। तो चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है लिब्राहन आयोग संबंधित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाबरी मस्जिद के विध्वंस से जुड़ी है, जुड़ा है आपका लिब्राहन आयोग। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब लागू की गई थी, व्हेन वाज डेसिमल कॉइनेज सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1957 में भारत में दशमलव पद्धति शुरू की गई थी। तो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, केलकर कार्यदल, जो ये केलकर कार्यदल की अनुशंसाएं संबंधित है, द रिकमेंडेशन ऑफ केलकर टास्क फोर्स इज एसोसिएटेड विद बी, ये टैक्सेशन से जुड़ा हुआ एक दल था, कमेटी थी, जिन्होंने सुझाव दिए थे, ठीक है, अनुशंसाएं की थी टैक्सेशन से जुड़ी हुई। तो कई बार कमेटियां पूछी जाती है कि कौन सी कमेटी किस मुद्दे से जुड़ी हुई है, तो इन चीज़ों को भी देख सकते हैं आप, ठीक है, ये मिसलेनियस स्टैटिक जीके में आ जाएगा, तो देख लीजिएगा क्योंकि पूछा जाता है। तो देखते हैं अगले प्रश्न, 61 विश्व बैंक किस उद्देश्य के लिए देशों को ऋण देकर सहायता करता है, तो दोस्तों जो विश्व बैंक का जो उद्देश्य होता है वो होता है विनिर्माण और विकास, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ये रीजनिंग का है, इनको छोड़ दीजिए, हम जीके का क्वेश्चन देखेंगे, लॉजिकल रीजनिंग है, आपको क्लरिकल में भी इसी तरह की रीजनिंग आने वाली है, मतलब जो आप नॉर्मली कर सकते हैं, थोड़ा सा बस अपना कॉमन सेंस सही होना चाहिए दिशाओं का, बाकी सब चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो देखते हैं अब 65वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में औद्योगिक केंद्र नहीं है, तो आपको बताना है इसका सही जवाब। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, अर्की सोलन जिले के औद्योगिक केंद्र में नहीं आता है, क्योंकि परवाणु बरोटीवाला और सोलन ये सोलन जिले के इंडस्ट्रियल सेंटर है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की पश्चिमी पहाड़ियों में प्रवेश करने वाली दूसरी जाति थी, तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, किरात, द सेकंड रेस टू एंटर द वेस्टर्न हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज किराता, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, 67 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बी एस चक्रवर्ती, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न, ब्रिटिश सरकार द्वारा सिरमौर के राजा अमर प्रकाश को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि नहीं प्रदान की गई थी, तो आपको बस नॉर्मली ये ध्यान देना कि सिरमौर के राजा को कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एम्बेसडर ऑफ हर हाइनेस, बाकी महाराजा, लेफ्टिनेंट कर्नल और KCIF की उपाधियां सिरमौर के राजा को दी गई थी, अमर प्रकाश को दी गई थी, बाकी एम्बेसडर ऑफ हर हाइनेस नहीं दी गई थी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध लोहनू मैदान स्थित है, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिलासपुर में, लोहनू ग्राउंड कहाँ पे है आपका, बिलासपुर में, ठीक है। तो शिंगला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों शिंगला जो दर्रा है वो है आपका लाहौल स्पीति में, शिंगला दर्रा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा विमान पतन कौन सा है, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गगल, ठीक है, गगल सबसे बड़ा विमान पतन है, एयरपोर्ट है भारत का, ठीक है, ओ भारत का सॉरी, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस बॉलीवुड व्यक्तित्व को हाल ही में पश्चिम बंगाल की काजी नजरुल विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट हनोरिस कासा की उपाधि प्रदान की गई, तो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शर्मिला टैगोर को डिलीट की उपाधि दी थी नजरुल विश्वविद्यालय द्वारा हनोरिस कासा। तो ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट 2018 की मेजबानी किस शहर की, प्रश्न नंबर 73, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लंदन ने ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट 2018 की मेजबानी की थी, ठीक है। किस शहर, तो अब आते हैं 74 में, किस शहर राज्य सरकार ने हाल ही में पौधरोपण अभियान ग्रीन महानदी मिशन प्रारंभ किया है, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि हाल में ही हुआ है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ओडिशा ने ये अभियान शुरू किया है ग्रीन महानदी मिशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक अहिंसा के लेखक कौन है, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आमला शंकर ने अहिंसा नाम की पुस्तक लिखी है, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल पर। तो अगले क्वेश्चन ये इंग्लिश के है, द प्रिजोनर वाज बाउंड, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, विथ बाउंड बाय बाउंड विद ए चैन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीनिंग ऑफ द इडियम्स स्पीक एंड स्पैन इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नीट एंड क्लीन। तो दोस्तों आप क्लरिकल के लिए भी इसी तरह से ही देख लीजिएगा, बाकी आर्टिकल्स वगैरह और जो ये idioms वगैरह होते हैं, idioms phrase, ये भी पूछा जाता है कई बार, synonyms antonyms आते हैं, तो यहाँ पे जैसा पूछा भी है, synonyms ऑफ द वर्ड एक्विस का जो synonyms होगा वो होगा दोस्तों टी, क्विट सबमिशन, ठीक है,
एक क्विज का जो सिनोनिम्स है वो है क्विट सबमिशन। तो प्रश्न नंबर 79, हाकू से प्रत्यय बनता है। तो प्रत्यय क्या होते हैं दोस्तों? जो जो किसी शब्द के अंत में जुड़े होते हैं। हिंदी की बात आ रही है, अब हिंदी के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 79 का सी। जो आकू होता है मतलब जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के आखिरी में जुड़ते हैं, जो अंतिम उच्चारण देते हैं, आकू लड़ाकू। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद आपको करना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वी प्लस उत्पत्ति। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 81, इनमें क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लसीका ऊतक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिम्फॉइड टिश्यू? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है 82 का वह है ऑप्शन सी, अपेंडिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिम्फॉइड टिश्यू? अपेंडिक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है अपेंडिक्स। सिकल सेल एनीमिया वाला व्यक्ति, तो जो इसका ए पर्सन विच विद सिकल सेल एनीमिया इज, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मलेरिया के प्रति कम प्रवृत्त होता है, लेस प्रोन टू मलेरिया। ठीक है, किसी बात के लिए सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। एंटीजन उपस्थित होते हैं, एंटीजन आर प्रेजेंट, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कोशिका सतह पर, ऑन द सेल सर्फेस। ठीक है, टॉक्सिन के श्रवण से संबंधित बीमारी है, डिजीज एसोसिएटेड विद सेक्रेशन ऑफ टॉक्सिन। तो दोस्तों जो 85 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टिटनेस। ठीक है, टॉक्सिन के श्रवण से टिटनेस संबंधित है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अल्कोहल के अत्यधिक उपभोग का परिणाम है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यकृत का सिरोसिस, सिरोसिस ऑफ द लीवर, ऑफ लीवर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। विशेष मौसम में अस्थमा के आघात का बढ़ना संबंधित है, तो दोस्तों 87 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मौसमी पुष्परज के अंतःश्वसन से, इनहेलेशन ऑफ सेशनल पोलेंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। इंटरफेरेंस, द इंटरफेरेंस आर, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एंटीवायरल प्रोटीन्स। ठीक है, द इंटरफेरेंस आर एंटीवायरल प्रोटीन्स। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। एम्फीटामिन्स, एम्फीटामाइंस है, एम्फीटामाइंस आर, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है 89 का वो है ऑप्शन सी, उद्दीपक, स्टिमुलेंट्स। ठीक है, स्टिमुलेंट्स होते हैं एम्फीटामाइंस, एम्फीटामाइंस क्या होते हैं? स्टिमुलेंट्स, उद्दीपक होते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है। बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसीफेलोथेरेपी, फेलोपैथी एक रोग है, एनसीफेलोपैथी एक रोग है जो प्रायोस द्वारा होता है। बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसीफेलोथेरेपी इज ए डिजीज कॉज्ड बाय प्रॉन्स इज ए, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, का गाय द्वारा होता है ये रोग। ठीक है, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसीफेलोपैथी रोग गाय से फैलता है। ठीक है, गाय के प्रॉन्स द्वारा फैलता है। तो देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी अफीम से प्राप्त औषधि है? कौन सी औषधि अफीम से प्राप्त होती है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हीरोइन अफीम से प्राप्त औषधि है। ठीक है, स्थानांतरण संबंधित है, मेटास्टेटिस इज एसोसिएटेड विद, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, दुर्दम अर्बुद, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, तो देखते हैं 93 क्वेश्चन। तो 93 है, पैरों की दाद बीमारी किसके द्वारा होती है? एथलीट्स फुट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एथलीट्स फुट डिजीज इज कॉज्ड बाय, कई बार यहाँ हिंदी में भी यही दिया होता है, एथलीट फुट बीमारी किसके कारण से होती है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है 93 का वो है ऑप्शन डी, टीनिया पेडिस के द्वारा। ठीक है, तो टीनिया पेडिस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा धूम्रपान से संबंधित है? तो आपको ये जो धूम्रपान से संबंधित है वो आपको बताना है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी धूम्रपान से संबंधित है, ब्रोंचाइटिस, लंग कैंसर और एम्फाइसीमिया, बातस्पीत। तो अगला क्वेश्चन 95, तो दोस्तों 95 है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन है, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एसेंशियल एमिनो एसिड, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन है एसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है 96 का वो है ऑप्शन बी, हिल्सा इज अ मरीन फिश। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कुकुट का है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजीज बाय पोल्ट्री, पोल्ट्री, पोल्ट्री। ठीक है, पोल्ट्री फार्म से जो जुड़ा जुड़ी बीमारी है, तो कुकुट हिंदी में कहते हैं इसको, पोल्ट्री को, पोल्ट्री को। तो इसका जो राइट आंसर है 97 का वो है ऑप्शन सी, तो रानीखेत रोग। ठीक है, रानीखेत डिजीज।
तो कई बार सीधा सीधा ये पूछा जाता है, ये कई बार क्वेश्चन आया कि रानीखेत बीमारी कौन सी किस चीज़ से फैलती है, तो आपको पता होना चाहिए पोल्ट्री फार्म से फैलती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। खच्चर उत्पत्ति है, मूल मूल इज ए प्रोडक्ट ऑफ, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अंतरजातीय संक्रमण की। ठीक है, तो इंटर स्पेशीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, खच्चर मूल इज प्रोड्यूसेस ऑफ इंटर स्पाइसिस स्पेशीज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अंतरजातीय संकरण की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व की सबसे महंगी ऊन पश्मीना प्रदान करने वाली संतति है। द वर्ल्ड हाईली प्राइज्ड वूल यील्डिंग पश्मीना ब्रीड इज, पश्मीना ब्रीड। तो दोस्तों जो ये पश्मीना ब्रीड है ये किसे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बकरी है, बकरी से है। ठीक है, बकरी से प्राप्त की जाती है ये वाली ऊन पश्मीना, तो महंगी ऊन है जो। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, नॉर्मन बारलोक संबंधित है। तो दोस्तों जो जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए जो नॉर्मन बारलोक थे वो हरित क्रांति से जुड़े हुए थे, विश्व हरित क्रांति से। ठीक है, तो पादप कोशिकाओं की पूर्ण पादप पुनरुत्पादित करने की क्षमता कहलाती है। द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स हैज टू रीजनरेट द कंप्लीट प्लांट्स इज नॉन एज, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टोटिपोटेंसी। ठीक है, टोटिपोटेंसी क्या क्या कहते हैं, पादप कोशिकाओं की पूर्ण पादप पुनरुत्पादित करने की क्षमता को। ठीक है, प्लांट सेल्फ रीजनरेट की प्रक्रिया को कहते हैं टोटिपोटेंसी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सांड का वीर्य संग्रह किया जाता है, बुल्स सीमेन इज स्टोर्ड इन, तो दोस्तों जो 102 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लिक्विड N2 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेब्रिन किसका रोग है, पेब्रिन इज डिजीज ऑफ, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है 103 का वो है ऑप्शन बी, सिल्क वॉर्म से। ठीक है, रेशम कीट के कीट से जुड़ी बीमारी है पेब्रिन। ठीक है, बीमारियां ये जो जो जीवों से जुड़ी बीमारियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। विश्व में सर्वोत्तम दुग्ध प्रदाय नस्ल है, द बेस्ट मिल्क ब्रीड इन द वर्ल्ड इज, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। गरीब देश में किस फसल के उपयोग द्वारा अंधत्व को रोका जाता है, ब्लाइंडनेस प्रिवेंटेड बाय यूज ऑफ विच क्रॉप इन पुअर कंट्री, अंधता को किस देश में गेहूं से रोका जाता है, किस दे मतलब किस फसल से रोका जाता है, तो दोस्तों जो 105 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गोल्डन राइस के द्वारा। इसका आंसर गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस के द्वारा अंधत्व को रोका जाता है, ब्लाइंडनेस को ठीक किया जाता है गरीब देशों में। ठीक है, दूध को 65 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करना कहलाता है, हीटिंग मिल्क एट 65 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय सडन कूलिंग इज नॉन एज, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर 106 का है वो है ऑप्शन सी, पॉस्चराइजेशन। ठीक है, पॉस्चराइजेशन कहलाता है दूध को अचानक से ठंडा करना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी पालनकर्ताओं द्वारा पाली जाने वाली मधुमक्खी की सर्वाधिक सामान्य प्रजाति है, तो दोस्तों जो 107 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एपिस मेलिफेरा। तो दोस्तों देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित जवा और रत्ना किस में है, किस चीज़ से रिलेटेड स्पीशीज है। ठीक है, तो वराइटीज है, स्पीशीज़ तो किसी उस चीज़ के लिए आ गया, लेकिन यहाँ पे फसलों के बारे में बात हो रही है, तो जया और रत्ना कौन सी फसल की कौन सी चीज़ की वराइटी है, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है 108 का वो है ऑप्शन बी, चावल की। ठीक है, जवा और रत्ना ये चावल की वराइटीज़ है। ठीक है, मधुमक्खी पालन पौधों के निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है, एपिकल्चर। ठीक है, एपिकल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खी से, क्वेश्चन से ही आंसर निकल गया। तो एपिकल्चर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है 109 का वो है ऑप्शन सी, अमरूद, सूरजमुखी और स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन पौधों के निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है, अमरूद, सूरजमुखी और स्ट्रॉबेरी से। ठीक है, तो देखते हैं अगला 110वां प्रश्न, उन्नत पोषणिक गुणवत्ता के लिए प्रजनन फसल को कहा जाता है, तो दोस्तों जो 110 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बायोफर्टिफिकेशन। ब्रीडिंग क्रॉप्स ऑफ इंप्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज रेफर्ड एज बायोफर्टिफिकेशन। ठीक है, आपको याद रखना है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन, किसानों द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बीटी फसल उगाई जा रही है, तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार सिविल सर्विसेज में तक में पूछा गया है, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कॉटन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीटी के बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे कई बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित इसका नफा नुकसान देखा जा रहा है, तो देख लीजिएगा इस टॉपिक के बारे में विस्तार से। सिरके का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन ऑफ विनेगर इज वाई, तो दोस्तों जो 112 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ग्लूकोनोबैक्टर के द्वारा विनेगर का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन राइस एक अनुवंशिकता रूपांतरित फसल है जहां समाविष्ट जीन इसके जैव संश्लेषण के लिए होता है, गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वेयर द इनकॉर्पोरेंट जीन इज मेन फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विटामिन ए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रेसिका की किस्म है, ब्रेसिका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैरायटी ऑफ ब्रेसिका, तो दोस्तों जो 114 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पूसा स्वर्णिम और पूसा गौरव। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, हेटेरोसिस इज, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है 115 का वो है ऑप्शन ए, संकर ओस, हाइब्रिड विगर। ठीक है, हाइब्रिड विगर है, हेटेरोसिस क्या है, हाइब्रिड विगर, संकर ओस।
तो चलिए देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रोबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स आर, तो दोस्तों जो 116 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सजीव जीवाणु मय खाद्य पूरक, लाइव माइक्रोबायल फूड सप्लीमेंट्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 117। एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर फॉर राइजिंग सोयाबीन क्रॉप इज, सोयाबीन फसल की उन्नति के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त जीव है, तो दोस्तों जो 117 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम रिलेटेड है सोयाबीन से। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। शराब उद्योग में माल्टिंग प्रक्रिया को गति देने के लिए प्रयुक्त वृद्धि हार्मोन है, तो दोस्तों जो 118 का राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, जिबेरलिक एसिड। जिबेरलिक एसिड शराब उद्योग में माल्टिंग प्रक्रिया की गति देने के लिए प्रयुक्त हार्मोन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध में वृद्धि करते हैं और उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं तथा उसकी पोषणिक न्यूट्रिशनल वैल्यू पोषणिक गुणवत्ता में डैश डैश को बढ़ाकर वृद्धि करते हैं, तो दोस्तों जो 119 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विटामिन B12 को ऐड करके उसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, दूध में दही में जिसमें भी, ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध में वृद्धि करते हैं और उसे दही परिवर्तित करते हैं, लेकिन उसकी पोषणिक दही की जो आपकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए उसमें विटामिन B12 ऐड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक शैवाल जो कि मानव के लिए खाद्य के रूप में प्रयुक्त हो सकती है, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्लोरेला। एन अल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड ऑफ ह्यूमन बींग, तो ये है इसका राइट आंसर, क्लोरेला मानव के लिए खाद्य के रूप में प्रयुक्त हो सकता है शैवाल। ठीक है, एक अल्गा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार सूक्ष्म जीव है, तो दोस्तों 121 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लैक्टोबेसिलस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के, जो ये जो सूक्ष्म जीव है कौन से किसके साथ ऐड होने पर परिवर्तन करते हैं, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 122। चीज परिपक्वता संबंधित है, चीज मैचुरेशन इज कनेक्टेड विद, तो दोस्तों जो 122 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पेंसिलियम कैम्बर्टी से। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। साइट्रिक एसिड प्राप्त होता है, तो दोस्तों जो 123 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एस्परजिलिस नाइजर से साइट्रिक एसिड प्राप्त होता है दिए गए विकल्पों में से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जीन क्लोनिंग में प्रयुक्त होते हैं, तो दोस्तों जो 124 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्लाज्मिड्स। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा क्लोनिंग में प्रयुक्त होता है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर यूज इन जीन क्लोनिंग, तो प्लाज्मिड्स जो जीन क्लोनिंग में यूज होता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राइमर्स का प्रयोग कर जीन एम्प्लीफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों जो 125 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायरल जीनोम इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट डीएनए इज कॉल्ड, होस्ट डीएनए में समाविष्ट वायरल जीनोम कहलाता है, तो दोस्तों जो 126 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एलिसा। कई बार आपको एलिसा पूछ लिया जा सकता है किससे रिलेटेड, तो ये है जीन एप्लीकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो सॉरी प्रश्न नंबर 126 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन, सॉरी 126 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रोफेज। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मेरा वैसे भी सब्जेक्ट नहीं है ये बायोलॉजी, तो लेकिन क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो 127 देख लेते हैं, डीएनए में कि रासायनिक चाकू है, केमिकल नीव्स ऑफ डीएनए आर, तो दोस्तों जो 127 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एंडोन्यूक्लियसिस। ठीक है, एंडोन्यूक्लियसिस। तो देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। आरएनएआई में जीन किसका प्रयोग कर मौन रहते हैं, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डीएसआरएनए। एड्स के लिए एलिजा की पुष्टि हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है, एड्स के लिए एलिजा की पुष्टि हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है, तो दोस्तों जो 129 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रेड को तैयार करने के लिए किसका प्रयोग होता है, नॉर्मल क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, तो 130 का ए, सैक्रोमाइसिस सेरेबिस ब्रेड को तैयार करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। मीट किसका उत्तम स्रोत है, तो दोस्तों ये नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रोटीन भी होता है, आयरन भी होता है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी होता है मीट में। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 132। तो दोस्तों 132 है भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादक राज्य है, तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक अंडा उत्पादन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 133। श्वेत क्रांति का जनक कौन है, तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, जो इसका राइट आंसर है आपके साथ डिस्कस भी किया था, तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन जी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन गरीब आदमी की गाय कहलाती है, तो दोस्तों जो 134 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बकरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पुअर मैन्स कॉ, तो पुअर मैन्स की कॉ होती है बकरी। ठीक है, भारत में प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ हुआ था कहाँ पे, फर्स्ट वेटनरी कॉलेज इन इंडिया वाज स्टार्टेड एट, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कोलकाता में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो अंधात्र उपस्थित होते हैं, डबल सिका आर प्रेजेंट इन, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है 136 का वो है ऑप्शन बी,
कुकुट में, ठीक है, कुकुट में फॉल, दो अंधात्र उपस्थित होते हैं तो कुकुट में होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 137। 137 है, मवेशियों में स्तन शोध सामान्यतः किसके द्वारा होता है? मास्टिटिस इज फेशियल इन कॉमनली कॉज्ड बाय, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा मुक्त जीवन यापन करने वाला जीव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, माइक, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दूध का उतारना किस हार्मोन द्वारा प्रारंभ होता है? लेट डाउन ऑफ मिल्क इज इनिशिएटेड बाय विच हार्मोन, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, दूध का उतारना, लेट डाउन ऑफ मिल्क, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मायोपिया, दोस्तों मायोपिया किसके साथ संबंधित, कौन क्या किसे किसको बोलते हैं? तो दोस्तों ये इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शॉर्ट निकट दृष्टि दोष, ठीक है, शॉर्ट साइडनेस। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 141, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट ऊन प्रदाय नस्ल है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सभी, जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइन वूल ब्रीड, तो सभी सारी की सारी फाइन वूल ब्रीड वाली ब्रीड है, ठीक है, मेरिनो, रैम्बोइलेट और पोलवर्थ। कई बार ये भी पूछा जाता है कि मेरिनो किस कौन सी उसकी ब्रीड है, तो आप बोल सकते हैं वो ऊन से संबंधित है, ब्रीड है किसकी, ये है ऊन की, ठीक है, ऊन की, ऊन जो भेड़ों के द्वारा मिलती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानव दूध में जीवाणु नाशी क्रिया के लिए संबंधित मुख्य कारक है? तो दोस्तों जो 142 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बायोफाइडस फैक्टर, ठीक है। तो मानव दूध में जीवाणु नाशी क्रिया के लिए संबंधित मुख्य कारक है बायोफाइडस फैक्टर, ठीक है, बायोफाइडस फैक्टर। तो चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित दूध उत्पादों में से किसकी गुणवत्ता दूध में बैक्टीरियोफेज की उपस्थिति द्वारा प्रभावित होती है? तो दोस्तों जो 143 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आइसक्रीम। निम्नलिखित द क्वालिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्क प्रोडक्ट्स इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोफेज इन मिल्क, तो दोस्तों आइसक्रीम को प्रभावित करता है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो हालिकर किसकी नस्ल है? हालिकर इज ब्रीड ऑफ, तो दोस्तों जो 144 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है, मवेशी, कैशल, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, व्हाइट लोग हॉर्न एक कुकुट नस्ल है? व्हाइट लेग हॉर्न इज पोल्ट्री ब्रीड केप फॉर, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अंडे के लिए, लाइक एक्स, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निराभिषीकरण का अंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, तो दोस्तों जो 140 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यकृत, लीवर को डिटॉक्सिकेट करता है, क्या निराभिषीकरण का अंग है, डिटॉक्सिकेशन का जो अंग, डिटॉक्सिफिकेशन का अंग जो है वो है एक यकृत, ठीक है, लीवर। तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म नीड्स, ऊर्जा उपापचय में आवश्यकता होती है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म नीड्स, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है 147 का वो है ऑप्शन बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिल्क शुगर इज लैक्टोज, ठीक है, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है, मिल्क शुगर इज लैक्टोज। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोटना बालोइंग किसका लक्षण है? बालोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भैंस का, बफेलो, यौगिक होते हैं, कंपाउंड्स आर ऑलवेज, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, समांगी, होमोजीनियस, ठीक है, कंपाउंड्स होते हैं, होमोजीनियस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक पॉजिट्रॉन किसके लगभग समान भारी होता है? तो दोस्तों जो 151 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, ए पॉजिट्रॉन इज नियरली एज हैवी एज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। व्हाट इज द फ्यूल ऑफ एटॉमिक पाइल? तो दोस्तों जो 152 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, थोरियम, एटॉमिक पाइल का ईंधन क्या है? थोरियम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलतम अम्ल है? तो दोस्तों जो 153 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फॉर्मिक एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो वह है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज है एक, ग्लूकोज इज एन, तो दोस्तों जो 154 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कीटोहेक्सोज, ठीक है, ग्लूकोज क्या है, कीटोहेक्सोज। ये क्वेश्चन आ सकता है नॉर्मल एग्जाम में भी, ठीक है। जब ब्रेड को, अब 155 में जाते हैं, जब ब्रेड को टोस्ट बनाया जाता है तब उसका अधिकतर स्टार्च परिवर्तित होता है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डेक्सट्रीन, ठीक है, जब ब्रेड को टोस्ट बनाया जाता है तो उसका स्टार्च डेक्सट्रीन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, अधिक पके फलों में जूस का जेली बनना किसकी उपस्थिति के कारण होता है? किसी भी जूस का जेली किसके कारण बनता है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पिक्रिक एसिड के द्वारा, ठीक है। आपको याद रखना कि जो भी जेली बनते हैं किसी भी फल के जूस के, वो किसके उपस्थिति के कारण होते हैं, किसकी प्रेजेंस के कारण होते हैं, वो होते हैं पिक्रिक एसिड के कारण, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। 157 में आते हैं, गेहूं में ज्योत अवस्था के लिए आदर्श तापमान परास निम्नलिखित में से कौन सी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल टेम्परेचर रेंज ऑफ टिलरिंग स्टेज इन व्हीट? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 16 से 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है,
तीरिया और सरसों के फल कहलाते हैं। द फ्रूट ऑफ रेपिस्ट रेपसीड रेपसीड एंड मस्टर्ड इज नॉन एज। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ग्रेन कहलाते हैं ये भी, ठीक है, सरसों और तीरिया तोरिया जो भी है इंग्लिश में आप देख सकते हैं रेपसीड। मूंगफली की तेल और प्रोटीन तत्व मात्रा होती है मूंगफली की तेल में। द ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट ब्राउन नट आर रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 45% ऑयल होता है और 26% प्रोटीन्स होती है कई में मूंगफली के तेल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हृदय रोगी के लिए कौन सा वनस्पति तेल अच्छा होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में देखा गया। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सनफ्लावर ऑयल। ये हृदय रोगी के लिए बहुत अच्छा होता है। विच वेजिटेबल ऑयल इज गुड फॉर हार्ट पेशेंट? तो वो होता है सनफ्लावर ऑयल। मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन कैप्सेसिन, ठीक है, कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च में तीखापन होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किनोव है मूलतः एक, किनोव इज बेसिकली ए। तो दोस्तों जो 162 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मैंडेरिन, ठीक है, किनोव एक मैंडेरिन है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेब में लालपन किस कारण आता है? तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो नॉर्मल एग्जाम में आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन की उपस्थिति में सेब में रेडनेस आती है, ठीक, ड्यू टू रेडनेस इन एप्पल एंथोसाइनिन, ठीक है, एंथोसाइनिन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्यतः बीज रहित तरबूज है, जनरली सीडलेस वाटरमेलन इज। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, त्रिगुणित ट्रिप्लॉइड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। नींबू में बीज रहितता किस कारण होती है? सीडलेसनेस इज लेमन इज ड्यू टू। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है 166 का वो है ऑप्शन ए, स्वयं अनिश्चयता के कारण, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी के कारण सीडलेसनेस होती है लेमन में, ठीक है, पूछा जा सकता है नॉर्मल एग्जाम में भी, ठीक है, मेन स्ट्रीम के एग्जाम में नहीं, ये नॉर्मल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। जैसे मतलब ये बायोलॉजिकल क्वेश्चन है तो बायोलॉजिकल फील्ड वाले एग्जाम में ही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन नॉर्मल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कौन सी फसल वनस्पति मांस के नाम से जानी जाती है? विच क्रॉप्स इज नाउन एज वेजिटेबल मीट? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लोबिया, ठीक है, लोबिया को वनस्पति मांस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो लहसुन में कौन सा एमिनो एसिड पाया जाता है? तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपको मालूम होना चाहिए, तो वो है ऑप्शन ए, इलीन, ठीक है, इलीन, इलीन पाया जाता है लहसुन में एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड में, लहसुन में कौन सा एमिनो एसिड पाया जाता है? इलीन एमिनो एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले अंतिम प्रश्न, ऑक्सीकरण संबंधित है। तो दोस्तों जो ऑक्सीडेशन रिलेटेड टू, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बसा से, फैट से रिलेटेड है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो देखते हैं अगला और अंतिम क्वेश्चन इस एग्जाम का, मेगालोपा संबंधित है, मेगालोपा इज एसोसिएटेड विद। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, केकड़ा, क्राफ्ट, केकड़ा मेगालोप्स से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो ग्रुप के जरिए जुड़ जाएगा। 8894 नंबर बता देता हूँ मैं आपको, 8894634829 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको मेरी जानकारी सही लगती हो। आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो अपलोड हुए हैं, बाकी जिसमें मेरा सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं था, मैं कई बार इसमें ऐसे ही मैं सही सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सका, तो इसलिए माफी चाहूंगा, लेकिन इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसलिए साझा किया आपके साथ, आप लोग मिस ना कर सके। अब देखिए मैं ग्रुप के जरिए शेयर कर दूंगा, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग ही जुड़े हैं, लेकिन पीएचडी के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं यूट्यूब के जरिए, इसलिए मैंने इस पर वीडियो डाल के अपलोड किया है। आप चाहे तो इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप कोई भी एसपीएसएसबी के एग्जाम हो रहे हैं उनको जरूर देखिए, उससे जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको देखिए, उसका आंसर देखिए और पढ़ लीजिए 2 या 3 बार कम से कम, तो उससे क्या होगा आपकी मेमोरी में फिट हो जाएंगे, अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप सही करके आ जाएंगे, ठीक है। कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन कम से कम इधर उधर हो जाते हैं, अक्सर देखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों आप पीएचडी के यूट्यूब चैनल पर हर दिन कोई ना कोई वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए पीएचडी के साथ।